हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा में। फ्रेंड्स, आज मेहंदी लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बाल वाइट हो गए हैं और इस ट्रिक द्वारा आप मेहंदी अप्लाई करोगे तो आपके बाल आगे से और ज़्यादा वाइट नहीं होंगे, वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और आपके बालों में बहुत ही गाढ़ा कलर आएगा। फ्रेंड्स, मेरे भी बाल थोड़ा बहुत वाइट हो गए हैं और मैं इस तरीके से जब से स्टार्ट की हूँ फ्रेंड्स, वहीं पर स्टॉप हो गए हैं मेरे बाल, उससे आगे सफ़ेद नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 8 से 10 बाल ऐसे हैं जो कि सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक द्वारा मेहंदी लगाएं, आपके बाल बिल्कुल भी आगे से सफ़ेद नहीं होंगे और बहुत ही गाढ़ा कलर भी आएगा, जो कि आप 1 मंथ तक बिल्कुल अच्छे से आपके बालों में कलर दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं यूज़ की हूँ गोदरेज नूपुर हेना मेहंदी, जो कि 100% नेचुरल होता है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आप इसे ज़रूर यूज करें अगर आप अपने बालों की केयर करना चाहते हैं। और इसमें मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा निशा हेना मेहंदी। ये जो होता है, ये इसमें जो है थोड़ा केमिकल होता है, कलर होता है, ऐसा केमिकल नहीं होता है लेकिन कलर ज़्यादा होता है, लेकिन ये बालों में कलर बहुत अच्छा लाता है। अगर आप इस तरह इसे यूज करते हैं निशा मेहंदी के साथ, नूपुर मेहंदी और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून बड़ा चम्मच मैं ली हूँ फ्रेंड्स, ये है हिबिस्कस का पाउडर यानी गुड़हल का पाउडर। ये अगर आपके पास गुड़हल का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गुड़हल को भी यहाँ पर पीस कर ले सकते हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड्स, ये है आंवले का पाउडर। अगर आपके पास आंवले का पाउडर नहीं है तो आप मार्केट में ले लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारे बालों को जड़ से काला करता है और जो हमारे बाल वाइट हो गए हैं वहीं पर स्टॉप कर देता है, आगे से आपके बाल और ज़्यादा वाइट नहीं होते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, नेचुरली तरीके से आपके बालों को ब्लैक करेगा। और यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स एलोवेरा, यहाँ पर आप प्लांट का भी यूज कर सकते हो। एलोवेरा आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, ग्रोथ अच्छे होंगे। और इसे मैं नॉर्मली वाटर से बना रही हूँ। अगर इस तरह की मेहंदी बनाते हो ना तो आपको ज़रूरी नहीं है चाय पत्ती के पानी में आप बनाओ, बिल्कुल आप ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होगी ये मेहंदी। आपके हेयर ग्रोथ भी अच्छे होंगे, आपके बाल घने भी होंगे। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो भी आप इस तरीके से मेहंदी अप्लाई करेंगे तो आपके बाल घने होंगे फ्रेंड्स। और इस तरह आप मेहंदी बनाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से ये इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे, अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आप अपने बालों में लगाइए। आपका बाल बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1-2 दिन पहले आपने वॉश किया है तो आप लगा सकते हो। और इस तरह अपने बालों में अच्छे से मेहंदी को कवर कर लेना है और कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है। आप देखेंगे एक ही बार के लगाने पर आपका बाल बहुत ही गाढ़ा कलर आपको दिखेगा, आपका बाल बहुत ही सिल्की शाइनी होगा। अक्सर देखा गया है मेहंदी लगाने के बाद जो बाल होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगते हैं। अगर आप इस ट्रिक द्वारा लगाएंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। ये हिबिस्कस जो होता है हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, ग्रोथ को डेवलप करता है, आपके बाल भी घने होंगे, लंबे भी होंगे। तो आप देख सकते हो बालों में बहुत ही अच्छा कलर आया था और बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे अगर आप इस ट्रिक द्वारा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आप लोग को मिलेंगे, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और प्रोडक्ट रिव्यू, साथ में मेकअप ट्यूटोरियल भी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप इस ट्रिक द्वारा मेहंदी नहीं लगाते तो ज़रूर एक बार लगा कर देखिए।